बीवी किलर निकाल दो इसका। चीज देख रहा हूँ ना, ये चीज और ये चीज, ये दोनों में 20 से अलग हो गई थी। गुड मॉर्निंग गाइस, मायसेल्फ रेहान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज हमारे राइड का डे टू है और जहाँ हमारी डेस्टिनेशन थी, जहाँ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन आज क्या हुआ कि पूरी रात हो गई हम लोग को एडिटिंग करते हुए, लेकिन अभी हम लोग क्या कि एक दो घंटे का हम लोग ने स्नैप ले लिया है, लेकिन अभी जाते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं क्या है खाने में, चलते हैं। अरे कहाँ चलेगा क्या, चले तो आओगे, मालूम है आप कल के दूल्हा हो, मतलब इसका मतलब कि अकेले अकेले छोड़ दोगे हमें। फाइनली आ चुके हम लोग बुफे अपना ब्रेकफास्ट करने, और मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मैं सुबह बहुत लाइट वेटेड मील लेता हूँ जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम हो। मेरे को जैसे वाटरमेलन मिल गया था, ब्रेड है हमारे, ओट्स हैंगे, और अविनाश भैया तो प्रॉपर हैवी मील, टोटल कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो मिलते हैं सीधा राइड पर, जस्ट चेकआउट करके निकले हैं, और ये हमारा होटल था जहाँ पर हम लोग ने स्टे किया था। चलो चलते हैं, गाड़ी को करते हैं कोल स्टार्ट। अविनाश भैया ने तो गाड़ी अपनी कोल स्टार्ट कर दी है, मैं भी कर लूँ, गाड़ी को वार्म अप दे दूँ, फिर अपनी गाड़ी कम से कम 10 मिनट तो यही लेगी। एवरीथिंग इज फुल सेट है ब्रो, बहुत ही मज़ा आने वाला है ये वाली राइड पे। और अब आपको मालूम याले ब्लॉग पे पता चलेगा कि हम लोग जहाँ कहाँ पर रहे हैं, जहाँ पर भी जा रहे हैं जगह बहुत खूबसूरत है, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। और झांसी से हम लोग ऐसे पहले होंगे कि जो इतना लंबा डिस्टेंस कवर किया है सिर्फ अकेली बाइक से, और वो भी सुपर बाइक से। तो हमेशा की तरह सबसे ही पहले मेरा फ्यूल का इंडिकेशन आ चुका है, और अविनाश भैया तो अभी 200 किलोमीटर चल सकते हैं, मुझे फिर से रिफ्यूलिंग कराना है। होटल का स्टाफ आ चुका है बाहर निकल के, जब बाइक स्टार्ट होती है ना तो लोग देखने आ जाते हैं कि क्या स्टार्ट हुआ है। और अभी तो डीवी कलर लगा हुआ, अच्छा हुआ गैस नहीं निकले, अगर डीवी कलर नहीं लगा होता ना तो पूरे गैस भी बाहर आ जाते हैं। बाय बाय होटल श्री जी, अब मिलते हैं रिफ्यूलिंग पर। सो वेलकम बैक ऑन रोड गाइस, बैक फायर शॉट ऑन कावासाकी ZX-10R। चलो रिफ्यूलिंग कराते हैं फिर गाइस, होपफुली हम लोग को XP95 ऑक्टेन मिल जाए यहाँ पर। XP95 हाँ, कहाँ पर, 1 किलोमीटर आगे। हम लोग को वहाँ पर तो XP95 नहीं मिल रहा था, भैया ने यहाँ भेज दिया कि यहाँ पर चले जाओ, वहाँ को यहाँ पर XP95 मिल जाएगा। भैया XP95 पेट्रोल, प्रीमियम पेट्रोल, अरे XP95 ऑक्टेन पेट्रोल, XP95 ऑक्टेन पेट्रोल है आपके पास, अरे नहीं नहीं 1 किलोमीटर बोल रहे थे, ये तो आधा भी नहीं हुआ थे। अरे यार बस यही इशू एक सुपर बाइक के साथ कि आपको पेट्रोल नहीं मिलता है यार। भाई कहाँ पर है यार पेट्रोल पंप, 1 किलोमीटर बोला था उसने, दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो उसने 1 किलोमीटर बोला था, 100 किलोमीटर बोला था। चलो देखते हैं कहीं ना कहीं तो मिलेगा इंशाल्लाह, पता हूँ इतने सारे पेट्रोल पंप मिल जाते हैं लेकिन XP95 मिलता, कितनी दुख की बात है हम जैसे लोगों के लिए यार जो सुपर बाइक लिए रहते। पेट्रोल यार तो टेंशन फ्री हो जाएंगे यार, हमने हम लोग को 2 पेट्रोल पंप दिख रहा है, इंशाल्लाह पेट्रोल मिल गया तो मज़ा ही आ जाएगा यार, नहीं तो इशू हो जाएगा। एक तो इतना छोटा टैंक है बाइक का, अब बाइक की भी क्या गलती यार, गलती तो अपन लोगों की है यार कि ट्रैकिंग बाइक हम लोग।
आई थिंक पावर से लिखा है, लेकिन ये है ना पावर मिल गया भाई। सो अल्लाह का शुक्र है गाड़ी को रिफ्यूलिंग होने का टाइम आ चुका है, फुल कर दो। सो गाइस हम लोग को XP95 ऑक्टेन तो मिल गया है, नहीं तो भाई बहुत टेंशन हो जाती है अगर नहीं मिलता। भैया फुल कर दो, हम लोग ने अभी रिफ्यूलिंग करा दी है और अब हम लोग सीधा, हम लोग का डेस्टिनेशन है 450 किलोमीटर, बट हम लोग रुकेंगे सीधा इसमें, दो स्टॉप लेंगे हम लोग क्योंकि रिफ्यूलिंग के लिए, फिर से रुकेंगे 200 किलोमीटर के बाद। सिर्फ में 450 किलोमीटर में सिर्फ मेरे दो ही स्टॉप रहेंगे रिफ्यूलिंग चक्कर में, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग राइड पर निकल जाएंगे, लेकिन इट ऑलमोस्ट 11 AM होने वाला है शायद से, या 12 PM ही हो गया होगा, मैं मालूम नहीं है। तो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, चलते हैं। चलो हम लोग ने स्टे किया था मूथल पे, वहाँ से अभी तक हम लोग ने 2 टोल क्रॉस कर चुके हैं और 60 or 70 किलोमीटर आई थिंक कवर कब कर लिया है, और हम लोग को एक बाइकर और मिला है हम लोग के बीच। हम माधा यहाँ से 86 किलोमीटर है और हमारे साथ एक भैया भी जा रहे हैं हार्ले डेविडसन से। बाइक बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रही है भैया की, देख रहे हो आप, ये तो मस्त गाने वाने सुनते हुए जा रहे हैं। सो गाइस आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग, बहुत मज़ा आ रहा है राइड पे। रात के पूरा सीन बना दिया था कि हम लोग को कहाँ कहाँ जाना है और अम्बाला आने वाला है, कुछ लोग समझ रहे होंगे कि कहाँ पर जा रहे हैं हम लोग, आने वाला है माला 72 किलोमीटर्स रह चुका है। और इतना हम लोग सोच रहे थे कि मतलब कि काफ़ी गर्मी होगी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था राइडिंग के लिए, लेकिन नहीं इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है राइडिंग करने में, मज़ा आ रहा है क्योंकि हवा भी अच्छी ठंडी ठंडी से चल रही है, तो उसमें कोई इतना वो नहीं है कि गर्मी का कोई हो हाई। लेकिन हाँ राइडिंग पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप समर राइड कर रहे हो ना तो हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है यार, क्योंकि ऐसी जगह पे डिहाइड्रेशन होने के बहुत चांसेस होते हैं। हम लोग फुल बॉडी हाइड्रेट करके चल रहे हैं, अमृतसर लुधियाना जलंधर की तरफ जाते हो तो आपको मेन हाईवे से खेत ही खेत दिखेंगे, पूरे रास्ते भर खेत ही खेत दिखेंगे, क्योंकि अमृतसर और जलंधर में ना काफ़ी एग्रीकल्चर का काम है, काफ़ी किसान वगैरह है ना इस शहर में। चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। विनाश भैया तो बढ़िया गाड़ी रपेट ही चले जा रहे हैं, रुकी नहीं रहे। सो गाइस अभी हम लोग एक स्टॉप ले रहे हैं यहाँ पर हाइड्रेशन के लिए, क्योंकि हम लोग का वाटर बॉटल में हम लोग का पानी भी ख़त्म हो गया और हाइड्रेशन बैग हम लोग कैरी करके नहीं लाए, वो भूल गए थे अपने घर पर ही। चलो कोई नहीं, गाइस राइट नाउ वी आर हेयर इन मन्नत हवेली। सो हम लोग क्या हुआ था कि हम लोग इतने दूर से ट्रेवल कर रहे थे और हाइड्रेशन का इतने इशू होने लगा था, तो हाइड्रेशन करने के लिए हम लोग ने सिर्फ एक स्टॉप लिया हुआ है, फिर चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। हम लोग ओके हो चुके हैं, पानी और रेड बुल पी ली हम लोगों ने। पटाखे देख रहे हो भाई, वे फायर शॉट। होपफुली वी आ रहे हैं अम्बाला के एंड, बट हम लोग सिटी के अंदर एंटर नहीं करेंगे, यहाँ से बाईपास से एक कट मिलता है जो कि जहाँ हमारी डेस्टिनेशन तक जाता है, हम लोग ने वो देखे हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा रोड यहाँ का अजीब मिलने वाला है, और यह अजीब मिलने वाला नहीं है, पूरा यहाँ जहाँ तक हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ तक रोड थोड़ा ख़राब ही मिलेगा हम लोग को, कि मेरी बाइक में ट्रैकिंग टायर इंस्टॉल रहेंगे, रोड टायर इंस्टॉल रहेंगे, फिर भी मैं जान मूझ के रोड टायर गाड़ी को ले आया, पता होने के बाद भी कि भाई इसमें रोड टायर नहीं डले, इसमें ट्रैकिंग टायर डले हुए हैं। अब कुछ नहीं, इंशाल्लाह वापसी दिल्ली जाके इसमें रोड टायर इंस्टॉल करा के फिर अब उसको नेक राइड पर लेके आएंगे, अब सिलिकॉन टायर्स पर लेके नहीं आएंगे गाड़ी को, क्योंकि रोड टायर्स नहीं है ये, सिर्फ ट्रैकिंग टायर्स हैं। बताओ देख रहे हैं कितने बड़े हो रहे हैं, पर सिलिकॉन टायर्स रोड पे चला रहे हैं।
क्या बात है यार, ये टायर सिर्फ और सिर्फ 6,000 और 8,000 किलोमीटर ही चलते हैं। इनकी कॉस्टिंग आई थिंक 70,000 है, बट अब हम लोग रोड ट्रिप पे जब भी आएंगे नेक्स्ट टाइम, हमेशा से मतलब एक बात याद रख लेंगे कि अब रोड टायर्स पे ही आएंगे, क्योंकि सिलिकॉन टायर्स होते बहुत अच्छे हैं लेकिन बेसिकली वो ट्रैक बेसिस होते हैं, तो इस चक्कर में उससे नहीं आएंगे। टोटल देख रहे हो यार 10 आवर का, ये अम्बाला कैंट है, पूरा अम्बाला सिटी है, बट हम लोग एंटर नहीं कर रहे हैं, हम लोग बाईपास से ही सीधे अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। हम लोग अम्बाला सिटी को बोलते हैं बाय बाय और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हैं। लेकिन यहाँ सिलिकॉन टायर की बात ही अलग होती है यार, देख रहा कैसी भी लीनिंग कर लो वैसे ही चलती गाड़ी, यार बहुत मज़ा आ रहा है। और पता है यार, एक थोड़ा सा एक इशू है इस रोड पे कि जलंधर और ये अम्बाला वाली रोड है ना, इसमें इतना ट्रैफिक होता है और यहाँ की रोड्स भी इतनी अच्छी नहीं है। कोई नहीं, पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। सो गाइस कांग्रेचुलेशंस, वी हैव कंप्लीटेड 700 किलोमीटर, आप देख सकते हैं मीटर्स पे। राइडर मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हाँ हाँ, वो तो हमने अभी क्या होता ना कि आपको देख रहे थे, क्योंकि पेट्रोल पंप देखना है ना अपन को भैया, 200 किलोमीटर होने वाले हैं और इंडिकेशन जलने वाला है अपना। बाबा अपन ऐसा करा करें कि अलग से एक टैंक लेके चले गए उसके लिए। अच्छा, लास्ट टाइम जब हम एक बार प्लान अपन ने वाली करी थी ना, जो ग्वालियर वाली थी, तो अब हमारे पास तो मतलब बैग वगैरह नहीं था इसका ट्रैवलिंग वाला, तो अपन ने एक कार ले गए थे और एक अपन कैनाल ले गए थे और आप अपनी बाइक गई थी। सोचो, एक बाइक को ले जाने के लिए कार अलग गई थी। भाई साहब देख सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड को यार, मैं जब जब ऐसे फ्लावर देखता हूँ ना, सिमरन की याद आ जाती है अपने। सिमरन कहाँ है सिमरन, बहुत मज़ा आ रहा है बहुत। आप सोच रहे हो 700 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए तो थक गए होगे, बिल्कुल नहीं, रेड बुल और अपनी सुपर बाइक कभी नहीं थकाती। तो एक शख्स ने कहा है सवारों में दम होने चाहिए, सवारियों में नहीं है। सो घर से निकलो, चाबी लगाओ बाइक पे और निकल जाओ टूर पे, करने का मूड हो एडवेंचर करो, कुछ भी करने का मूड है बाइक से, बस निकल जाओ और से मज़े लेते रहो, फील लेते रहो बाइक का। वी आर इन पंजाब स्टेट। और अरे क्या कर रहे हो चाचा, निकल जान दो, सिंगल लोड है हमको भी पता। सो गाइस, उस रोड पे काम चल रहा है, यहाँ पर सिंगल रोड कर दिया, थोड़ा सा इशू हो रहा है बाइक को लेके, क्योंकि बाइक है ना कि स्पीड मांगती है नॉर्मली, आप सोचो उसको 10-20 की स्पीड में चलाना है तो चलती नहीं है, दिक्कत करती है। लेकिन फिर भी अपन कोशिश करते हैं भाई, चलाते हैं जैसे चलती है गड्डी है अपनी। अविनाश भाई आपकी बाइक सही है, स्पोर्ट प्लस टूर बाइक है ना जो आपकी, बेस्ट सही है, आपकी स्पोर्ट भी और आप टूर भी कर सकते हो उससे। यार डीबी कलर हटाने का बहुत दिल है यार। ब्रेक नहीं लेना कतई, बिल्कुल पीवी पंजाब पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस, समझ रहे हो आप, समझदार को इशारा ही काफी है, थोड़ा सा दूर रहो एक एक कदम। वैसे पुलिस वाले अच्छे होते हैं, लेकिन आप क्यों किसी के इलीगल वे में जा रहे हो, आप लीगल वे में जाओ ना। अपन लोग चलाते भी नहीं है उस तरीके से यार गाड़ी, अगर देखी जाए अपन तो जो लीगल वे है अपन उसी में ही ड्राइव करते हैं, अदरवाइज हम लोग इतना स्पीड अप भी नहीं जाते हैं कि सुपर बाइक है तो आप सोचो कि यहाँ पर चले जाएँ ऐसे स्पीड में चलाएं, ना स्टंट करते हैं हम लोग ना कुछ करते हैं। अभी मैं सुनना, ये तो बोल के कह रहा है स्पीड अप नहीं चलाते, ये क्या भगा रहा है, ये भगाना नहीं होता, ये तो बाइक को प्यार कर रहे हैं यार। सो गाइस एक गुड न्यूज़ है कि इससे पहले मैं जब अपनी डेस्टिनेशन पे आया था, मैं डेस्टिनेशन तो अभी भी नहीं बताऊंगा आप लोगों को, जब इससे पहले मैं डेस्टिनेशन पे आया था तो मैं बाय ट्रेन आया था, और अविनाश भैया बाय रोड आए थे, वो अपने टाइम में आए थे, तो उन्होंने बताया था कि भाई रोड बहुत ख़राब है। हम लोग को टेंशन हो रही थी कि यार मेरी गाड़ी में सिलिकॉन टायर डले हुए हैं, तो मैं सोच रहा था कि यार ये तो बहुत इशू हो जाएगा कि आगे जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक गुड न्यूज़ है कि पता चला है कि रोड बन चुका है, अपन को कोई इशू होने वाला नहीं है अपन को। सो चलो करते हैं इन्जॉयमेंट। सो गाइस एक गुड न्यूज़ है, हम लोग अभी तक कम से कम 10 पेट्रोल पंप छोड़ चुके हैं अपने पीछे, क्योंकि उनके पास XP95 अवेलेबल नहीं था, और हम लोगों को अभी पेट्रोल पंप पे XP95 मिल चुका है। सो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए तो कुछ नहीं होगी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि
सो गाइस फाइनली हम लोग की डेस्टिनेशन के बीच में एक पेट्रोल पंप मिल गया जहाँ 95 पेट्रोल अवेलेबल था यहाँ पर। हमने अपनी दोनों गाड़ियाँ टॉप अप करा ली हैं। अब चलो चलते हैं राइड की तरफ।